नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा 16 प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला किया गया है और आयुर्वेदा की प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अग्निहोत्री ने आगाह किया कि सरकार प्रदेश की संपदाओं की रखवाली के लिए है, हिमाचल बिक्री के लिए नहीं। आज देश दुनिया के दलाल प्रदेश भर में घूम रहे हैं जिनको सरकार का पूरा संरक्षण है। प्रेस को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा 16 प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला लिया गया है और आयुर्वेदा की प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अग्निहोत्री ने आगाह किया कि सरकार प्रदेश की संपदाओं की रखवाली के लिए है, हिमाचल बिक्री के लिए नहीं। आज देश दुनिया के दलाल प्रदेश में घूम रहे हैं जिनको सरकार का पूरा संरक्षण है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब, कैबिनेट के अंदर आईएएस महिला रो रही है, आखिरी पन्ना बचा। सीबीआई कोर्ट के सामने आईपीएस महिला बोल रही है कि दबाव बनाया जा रहा है, मंत्रियों के बच्चे महिला अधिकारियों को धमका रहे हैं, सरकार धमकी तंत्र की बनकर रह गई है, जनमंच कार्यक्रमों अफसरों को धमकाया जा रहा है, कर्मचारियों को बिना बजट से कार्य करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जनमंच से दरबारी परंपरा फिर से शुरू हो गई है, काम दफ्तरों के बजाय फिर दरबार में होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट तो सारा जश्नों पर खर्च किया जा रहा है, खजाने को लूटा जा रहा है। 18 करोड़ का टेंट इन्वेस्टर मीट में लगा, 6 करोड़ पब्लिसिटी, 3 करोड़ होटल पर खर्च हुआ, पहले साल के जश्न में 6 करोड़ लगाया, जनमंचों की धामों पर 5 करोड़, सरकार कंपनी की तरह काम कर रही है, मूल मुद्दों पर कोई कार्य नहीं हुआ। वायदा था कि भाजपा का 69 राष्ट्रीय हाईवे बनेंगे, एक भी स्वीकृत नहीं हुआ, अब केंद्र सरकार ने मना कर दिया, सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 2 साल में 703 रेप हुए हैं, इस सरकार के समय में 2 साल में 168 कत्ल हुए हैं, 1000 महिलाओं से छेड़छाड़ हुई है। भाजपा ने सरकार बनाने से पहले कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वहीं गुड़िया को आज तक कोई न्याय नहीं मिला है। सारी ताकत जो है सरकार की पूंजीपतियों पे लगी हुई है और जो प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनकी सारी हिमाचल की संपदाओं पे नजर लगी हुई है और जिस ढंग से हिमाचल के होटल बेचने का इन्होंने फैसला किया, 16 प्रॉपर्टीज़ जो है जिनमें चायल पैलेस भी शामिल था उसको आपने जो है उनके दाम निर्धारित कर दिए, उनको बेचने का फैसला कर दिया। लेकर आओ तो कांग्रेस पार्टी बीच में आई, तब जाके जो है इसकी इंक्वायरी ऑर्डर हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बारे में उनको पता नहीं था, जबकि टूरिज्म की प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं, मुख्यमंत्री टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं और चेयरमैन टूरिज्म कॉरपोरेशन भी हैं, उसके बावजूद वो कैसे कह सकते हैं कि उनको जो है ये पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टियां बेचने का पूरा तामझाम किसने रचा। और हमारी तो सूचना ये भी है कि कैबिनेट को भी जो है पूरा इलम था ये टूरिज्म की प्रॉपर्टियां बेचने के बारे में, और उसके बाद अब दिल्ली में जो हमारी प्रॉपर्टीज है खासतौर पे कुंडली में प्रॉपर्टी है हमारी, अब उसको बेचने का फैसला कर दिया मंत्रिमंडल ने, और ऐसे ही नाहन फाउंड्री की प्रॉपर्टियां बेचने का फैसला इन्होंने किया है, आयुर्वेदा की फार्मेसियां बेचने का ये जा रहे हैं, जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं और 3 फार्मेसीज है हमारी, और आप कुछ नया बना तो सकते नहीं, जो आपको मिली हुई है उसको भी आप जो है इस ढंग से बेच रहे हैं, तो हम इनको आगाह करना चाहते हैं कि ये आप जो है हिमाचल की संपदाओं के रखवाली के लिए है, ना कि आप हिमाचल का सौदा करने के लिए है और ना ही आप जो है हिमाचल फॉर सेल नहीं है, हिमाचल बिक्री के लिए नहीं है। आज देश दुनिया के सारे दलाल जो है हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं, हिमाचल की ज़मीनें, हिमाचल की नदियां, हिमाचल के पर्वत, हिमाचल के प्रॉपर्टीज़, उन पे नज़र रख के एक बहुत जो जिसको कहते हैं षड्यंत्र के तहत जो है हिमाचल का सौदा करने का प्रयास हो रहा है, और बाहर के लोग हिमाचल को खरीदना चाहते हैं, बाहर के लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं, और
सारा जो धोखा हो रहा है वो हिमाचलियों के साथ हो रहा है, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था का हालत खराब हो गई है। आप देखो कि कैबिनेट के अंदर आईएएस महिला रो रही है कि मेरा जो है कैबिनेट मेमो आई, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक की अफसर जो है कैबिनेट के अंदर रोती है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।